आगे देखो टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, तो टाइम पीरियड से क्या मतलब होगा, कितने टाइम में वो रिवॉल्व कर रहा है। बस ये टाइम पीरियड के बाद तुम्हें इंटरेस्टिंग चीजें सिखाऊंगा, बड़ा मजा आएगा कि कितने समय में वो रिवॉल्व करता है, पूरा चक्कर कितने समय में करता है, दैट इज कॉल्ड योर टाइम पीरियड। और वो अगर निकालोगे This is your orbital speed, यहां r की पावर 1, ये वाला r का पावर 1 by 2 ऊपर चला जाएगा, it will become 3 by 2. This is your time period, this is the time period, इसको थोड़ा और ध्यान से अगर व्यू करते हो t square is proportional to r cube. अब रुक जाओ, listen. अगर दो अलग अलग प्लैनेट्स हैं, अगर दो अलग अलग प्लैनेट्स हैं, अलग अलग, अर्थ ले लो और कोई और प्लैनेट ले लो, मार्स ले लो, उनके अपने अपने सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल, नेचुरल सैटेलाइट मतलब जो नेचर यूनिवर्स ने क्रिएट किए हैं, अगर उनका ऑर्बिटल रेडियस दोनों का सेम है तो वहां पर टाइम पीरियड सेम नहीं होगा, क्योंकि दोनों प्लैनेट्स का मास सेम नहीं है। हाँ, अगर आप एक ही प्लैनेट के लिए कंपेयर करते हो कि इस ऑर्बिटल रेडियस में आर में इतना टाइम पीरियड है तो 2R में कितना होगा, तो सिंपली आप ये ले सकते हो। बट अगर दो अलग अलग प्लैनेट्स हैं, उनके अपने अपने सैटेलाइट्स हैं, उनके टाइम पीरियड की अगर आप रेशियो की बात करोगे तो अपार्ट फ्रॉम R यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट देयर मासेस आल्सो। ये अगर मैं लिख रहा हूं तो दिस आई एम राइटिंग फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट फॉर अ गिवन प्लैनेट इन विच, फिर अभी यहां घूम रहा है, इसी प्लैनेट के लिए कहीं और घूम रहा है, तो मास दोनों के लिए क्या लिया जाएगा, सेम। ये मास किसका है, सैटेलाइट का नहीं है, किसका है, प्लैनेट का। प्लैनेट अभी अर्थ की बात करो तो एम ही लिख दिया, लिखो इसको, is this clear to everyone, t square proportional to r cube, aage chalo. Acha isko, this is also called as kepler's law, t square proportional to r cube, kepler, abhi main kepler's law padhaunga, isi mein bachcho aage badhoge, isme likho, इसी में लिखो टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ प्लैनेट, वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ प्लैनेट, वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ प्लैनेट। यहां देखो, सपोज ये मेरा प्लैनेट, अर्थ की ही बात कर रहा हूं, और जो मेरा सैटेलाइट है वो इसके बिल्कुल सरफेस के कहां घूम रहा है, बिल्कुल पास में, तो ये जो डिस्टेंस है स्मॉल आर, ये किसके बराबर हो गया, आर ई। मैं एक बिल्कुल फॉर्मूला बना के दूंगा फॉर टाइम पीरियड फॉर अ सैटेलाइट वेरी क्लोज टू द सर्फेस ऑफ प्लैनेट। तो इसी फॉर्मूले में इफ यू जस्ट be a little careful, you'll find that bilkul step, no hurry, abhi main earth ke liye baat kar raha hu,
जी एम ई जी आर ई स्क्वेयर। अब यहां पे अगर देखोगे तो ये आर ई स्क्वेयर ये ऐसा हो गया, यहाँ पे 3/2 का पावर है, यहाँ पर 1, 3/2 माइनस 1 विल बी 1/2, 3/2 माइनस 1 विल बी 1/2, मतलब आर ई रूट में, आर ई किस में आएगा, रूट में। सो दिस वैल्यू बिकम्स और ये टाइम आया इट इज 83.4 मिनट्स। ये अगर याद रखोगे इट इज ओनली फॉर अर्थ, अगर अर्थ के बहुत पास 25-30-50-100 किलोमीटर की हाइट में जो घूम रहे हैं, दे रिवॉल्व अर्थ इन 83.4 मिनट्स, मतलब 1 घंटा 20 मिनट के आसपास, 1 घंटा 10 मिनट के आसपास है ना, 83 1 घंटा 13 मिनट के आसपास, सॉरी 23 मिनट, 1 घंटा 23 मिनट लिख लो इसको। इसको लिखने का एक और तरीका, इसको मैं बदलूंगा, यही था ना जी एम 3/2 अपॉन, अब इसको देखो हम कैसे लिखेंगे, सी वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुल, क्योंकि वो बहुत पास में है, तो दिस विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ प्लैनेट 4/3 πr³ इनटू डेंसिटी, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ प्लैनेट इनटू डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला अगर तुम थोड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हो, यहां पावर 3 है, 3, दिस इज 3, दिस इज 1/2, see the nice part of it, yahan dekho what is the density, matlab kitni pyari cheez bani, agar satellite bilkul planet ke bilkul pass mein ghum raha hai, bilkul planet ke pass mein ghum raha hai, to time period is proportional to 1/√d where d is the density, otherwise to wo tumne dekh liya tha, maine ek formula earth ke liye banaya tha, अर्थ के अगर वो पास में घूम रहा है तो वहां वैल्यू याद करके चलो 83.4 मिनट्स। चांसेस आर वेरी रेयर कि वो दो प्लैनेट्स के लिए अलग अलग कंपेयर करके दें, बहुत हाँ किसी को अगर वो चाहता है कि तुम्हें बिल्कुल ही ट्रैप कर ले सवाल में, तो फिर वो दो अलग अलग प्लैनेट्स के लिए देंगे और उसमें आपको मासेस को भी अकाउंट में लेना पड़ेगा, किसके मासेस को, प्लैनेट्स के। और ये तो बड़ा खास ही, ये तो बहुत ही स्पेशल है, इसमें तो क्या देख रहे हैं बस टाइम पीरियड किसका, सैटेलाइट का जब वो बहुत ही करीब में घूम रहा है, और ये डेंसिटी किसका है, प्लैनेट का, प्लीज लिख लो इसको।
गर्मी नहीं लग रही तुम लोगों को?